कहां है आज टुकड़े टुकड़े गैंग, जरा बताइए बताइए कहां वो वाला दिल्ली वाला जेएनयू कहां है, कहां है वो भाई गडरिया बताइए ना, कहां बात सुनाई देती है जो कभी कहते थे भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करके इनकी ऐसी की तैसी दिखाई देते कहीं। मैंने तेरे दबाए जब चैनलों में मैं आता था उस वक्त जब नाम सुनते थे मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का, मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, मिट्टी भारत माता की मिट्टी का कंकर भी नहीं हूं, तो भाग जाते थे बहस नहीं करते थे, पता है कि चने चबा दूंगा इनके, सच्चाई पे चने चबा दूंगा। अरे हमारे जीते जी आपकी हिम्मत की सजा, भारत के अंदर आप कहोगे भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे। वक्त गुजर गए, नया दौर आ चुका है, नई क्रांति आ चुकी है, नया भारत बन चुका है, नया मिशन चल चुका है। वक्त गुजर गए, आपको पाला होगा किसी राजनीतिक लोगों ने, क्या कभी इन्होंने बंदे मातर बोला? अभी मैं आ रहा था, बताइए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा गलत नारा बोला? बंदे मातर भारत माता की जय। अब बंदे मातर भारत माता की जय के ऊपर अगर कोई विरोध करेगा वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, वो भारतीय हो ही नहीं सकता। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले करे ना बंदे मातरम के ऊपर, ये तिरंगे झंडे के ऊपर, ये 370 धारा के ऊपर मैं चाहूंगा करे तो सही, इनके पीछे कौन है? पूछिए इनके पीछे कौन है? मैं नौजवानों को कहता हूं याद रखना, नए भारत का निर्माण हुआ है, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं अपने आप को बदल लो, वो नक्सलाइटों को कहना चाहता हूं अपने आप को बदल लो, खालिस्तानियों को कहना चाहता हूं अपने आप को बदल लो। अगर 370 धारा हट गई ये तो है ही कुछ नहीं, खालिस्तान ये वो ये कुछ नहीं,